हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट्थ सिविक्स की बुक का चैप्टर एट कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन तो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो चैप्टर सेवन था वहाँ पर समझा था कि मार्जिनलाइज मार्जिनलाइ मार्जिनलाइजेशन होता क्या है तो देखिए बेसिकली क्या कंसेप्ट है ना कि मार्जिनलाइज होने का मतलब होता है कोने पर आ जाना या फिर सेंटर से दूर हो जाना जैसे कि ये सेंटर है सेंटर का सॉरी ये सर्कल है सर्कल का ये सेंटर होता है मतलब जो इंपॉर्टेंस में होता है और ये जो कोने होते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनस तो कोने पर पहुंच जाना मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से दूर हो जाना ये होता है मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन कुछ कास्ट का होता है और गरीब लोगों का होता है अब वो तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देख लिया था कि वो क्या होता है मार्जिनलाइजेशन अब कन्फ्रंट कैसे करेंगे कन्फ्रंट करने का मतलब है आप उसका सामना कैसे करेंगे तो हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में देखा था उनके एक्सपीरियंस कि उनको किस तरीके से वो इनक्वालिटी को फेस करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को इनक्वालिटी होता है भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उनके साथ किस तरीके से आ, भेदभाव हो रहा है बेसिकली इनक्वालिटी की मतलब ऊंच नीच हो गया और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है तो जो पावरलेस लोग होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपने लिए अपने हक के लिए जंग लड़ी है और किस तरीके से वो डोमिनेटेड ग्रुप्स के द्वारा उनको मतलब हटा दिया गया है और कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया है अपने हकों का के लिए लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से उन्होंने अपनी कंडीशंस को सुधारने की कोशिश करी है इतने सदियों से क्योंकि सदियों से जिसके साथ जिस कम्युनिटी के साथ गलत होता आ रहा है उसने आज अपने आप को सुधारने की कोशिश कैसे की है चाहे वो रिलीजियस हो या फिर आर्म्ड स्ट्रगल हो या मतलब जंग लड़के वॉयेंस वाली हो या फिर खुद को इम्प्रूव करके एजुकेशन के थ्रू या फिर खुद को अमीर बना करके किस तरीके से उन्होंने अपना अपलिफमेंट किया है ये सारे के सारे केसेस जो हैं चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसिस आर द मार्जिनलाइज्ड फाइंड देम सेल्स इन तो जो जितना भी स्ट्रगल हुआ है जो उन्होंने किया है और किस किस सरकम्स्टांसिस में वो लोग रहे हैं उसके बारे में ही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने किस तरीके से इनक्वालिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और कैसे इसके खिलाफ लड़ाई की आदिवासी दलित मुस्लिम वेमेन और बाकी सारे जो मार्जिनल ग्रुप्स जिनको कोने पर कर दिया जाता है ग्रुप्स आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोजेज इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड तो इन लोगों ने कहा चाहे वो आदिवासी हो दलित मुसलमान या फिर औरतें उन्होंने सिंपल सी एक बात कही हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में रहने के नाते हम लोगों को समानता का अधिकार है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है और किस तरीके से इन लोगों ने इन मार्जनलाइज कम्युनिटीज़ ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखा अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मतलब इनके साथ जो गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए और सुधार के लिए कैसे इन्होंने संविधान का सहारा लिया इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो मार्जनलाइज ग्रुप के स्ट्रगल uh, में किस तरीके से हेल्प करता है और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो राइट्स हैं जो हक हैं उनको कानूनों में बदला गया है टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कंटिन्यूड एक्सप्लाइटेशन जैसे कि दलित के साथ हुआ हमारे पास अधिकार थे राइट टू इक्वालिटी था राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मतलब बुरे बर्ताव के खिलाफ आ, हमारे पास अधिकार था बट वो कानून कैसे बना किस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई ताकि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इनका डेवलपमेंट हो सके अब हम इसमें देखेंगे इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स अब हमारे संविधान है हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी कि नागरिक अधिकार मूल नागरिक अधिकार हम लोगों को मिल चुके हैं मगर किस तरीके से हमने उसको इन्फोर्स कराया मतलब हासिल किया सबको दे दिए संविधान ने बट बहुत सारे ऐसे मार्जिनलाइज सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग थे जिनको ये अधिकार नहीं मिले तो कैसे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है इस बुक के वो ऐसा प्रिंसिपल ले करता है हमारी सोसाइटी का जो कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है यानी कि लोगों द्वारा हमारे नेताओं को चुना जाता है और वो हमारे देश के कानूनों को लागू करवाते हैं है ना और उसमें ही हमारे संविधान में ही एक लिस्ट ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स है और वो बता रखा है कि हमारे संविधान ने वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये राइट्स जो हैं सारे के सारे इंडियंस को बिल्कुल बराबरी पर मिले हुए हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उन्होंने इन राइट्स को ड्रॉ किया है कैसे बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम तो उन्होंने कहा कि आपने हम लोगों को ये राइट्स दे रखे हैं बट आप ये भी तो देखिए कि कितना बुरा व्यवहार हमारे साथ सदियों से होता आ रहा है इस तरीके से कि गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ध्यान दे हमारी तरफ थोड़ा ज़्यादा वो इनिकवालिटी नहीं है वो तो आपको सबको समानता में लाने के लिए आपको कुछ मार्जलाइज कम्युनिटीज़ को थोड़े से एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स देने पड़ते हैं सेकेंड जो था मार्जिलाइज uh, कम्युनिटी ने इंसिस्ट किया गवर्नमेंट से कि ऐसे कानून बनाए जिससे इन फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जा सके मतलब आपने हमें दे दिए बट हम अगर हमारे कानूनों का हमारे राइट्स का हकों का हनन हो रहा है तो हम उसका क्या करें हम किस तरीके से उनको अपना वापस लें तो इसलिए कानून बनाया गया कि भाई अगर कोई किसी दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी हो उस पर उसको जेल जाना पड़ सकता है ना बहुत कुछ हो सकती है दिक्कतें तो फंडामेंटल राइट्स की स्प्रिट बनी रहे इसके लिए हमारी सरकार ने भी काफ़ी काम किया है जैसे कि आर्टिकल सेवनटीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश तो आर्टिकल सेवनटीन कहता है कि हमारा संविधान अछूत जो होता है ना छुआछूत की जो ये प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं इसको हम लोग एबॉलिश करते हैं ख़त्म करते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल सेवनटीन ऐसा कहता है कि कोई भी जो है वो दलित को खुद को एजुकेट करने से पढ़ने लिखने से नहीं रोक सकता दलित को यानी कि एस सी को टेम्पल में जाने से नहीं रोक सकता कोई भी पब्लिक फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल करने से रोक सकता पब्लिक फैसिलिटी का क्या मतलब होता है जो सरकार द्वारा सबके लिए अवेलेबल कराई जाती है जैसे कि सड़कें हो गई कुएँ खल कुएँ तो पुराने ज़माने की बात होगी गई कम्यूनिटी जो हैंडपम्प्स होते हैं वो है ना गार्डन्स और पार्कस जो होते हैं वहाँ पर कोई भी पर्सन जा सकता है हमारे देश का जो भी नागरिक है इसका मतलब है कि जो ये गलत प्रैक्टिस थी ना अनटचेबिलिटी की अब गवर्नमेंट इसको टॉलरेट नहीं करेगी और अनटचेबिलिटी अब तो एक पनिशेबल क्राइम है मतलब इसके खिलाफ आप रिपोर्ट लगा सकते हैं अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है और उसके खिलाफ बहुत ही कड़े कानूनी कार्रवाई होती भी है और काफी सारे और भी सेक्शंस हैं से हमारे संविधान के जो स्ट्रेंथन करते हैं मतलब फोर्स देते हैं अनटजेबिलिटी के खिलाफ कि वे छूआछूत की, की प्रथा को नहीं समा मतलब चला सकते जैसे कि आर्टिकल 15 हमारे संविधान का कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ वर्थ जो हम लोगों ने क्लास सेवंथ में भी इसके बारे में पढ़ा था कि कोई भी नागरिक हमारे देश का आर्टिकल फिफ्टीन हमारे देश का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भी नागरिक हमारे देश में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो कहीं पर भी वो पैदा हुआ हो हमारे देश का नागरिक है तो कानून के सामने वो बिल्कुल सब बिल्कुल बराबर है जैसे कि मैं जैसे कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के कानून के सामने सब बिल्कुल बराबर है अगर वो कोई क्राइम करेंगे और हम कोई क्राइम करेंगे तो हमें बराबर सजा मिलेगी तो आप लोग कहेंगे ना कि उनको तो इतनी फैसिलिटी मिलती है क्योंकि उनको उनकी पोजीशन की वजह से फैसिलिटीज़ मिलती है बट अगर कुछ गलत करेंगे तो कानून उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारे लिए करेगा तो दिस हैज बीन यूज बाई टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम तो आर्टिकल सेवनटीन हो गया और आर्टिकल फिफ्टीन हो गया इससे हमारे देश की जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है स्पेशली दलित को काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिली है अपने हकों को पाने में तो ये टर्म दलित है इसका मतलब होता है टूटा हुआ यानी कि ब्रोकन और जो ग्रुप्स है ना हमारी सरकार इनको दलित नहीं कहती बल्कि जो ये ग्रुप्स

पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और कोर्ट में किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा है डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड बाय इट एंड डू जस्टिस टू देम तुम्हारे संविधान कहता है कि भाई अगर किसी के साथ गलत होता है तो हमारी गवर्नमेंट का ये काम है कि उस इंसान को जस्टिस मिले न्याय मिले तो कि यहाँ पे ये यह वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा सा टफ है क्योंकि आप यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख रहे हैं आर्टिकल फिफ्टीन हम लोगों को क्या कहता है राइट टू तो इक्वालिटी की भाई सब लोग इक्वल है आर्टिकल सेवेंटीन है राइट अगेंस्ट तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं अब आगे ही और भी हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताते हैं कि बाकी सारी जो मनिटी तो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी हमारे देश के फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको उनसे प्रेरणा लेकर के आगे काम किया है जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब हम सभी के पास हमारे देश में हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है और कोई भी एजुकेशन वो प्राप्त कर सकता है इन केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक द मुस्लिम पारसी हैव द राइट टू बी द गार्जियंस ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर एज वेल एज राइट टू मेक देयर डिसीज़न देखिए इसका ये मतलब है कि हमारे देश में लोगों के पास आर्टिकल थर्टी ट्वेंटी नाइन थर्टी हमारे देश में लोगों को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देता है इसका मतलब है जो कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स हैं ना देखिए में मेजर रिलीजन हमारे देश में हिंदू धर्म है बाकी सारे जितने भी धर्म हैं उनके पास और हिंदू धर्म के पास भी ये हक है कि हम लोग अपनी जीवन में किस तरीके से अपने धर्म को फॉलो करते हैं हम कैसे अपने धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि हिंदुओं में गीता या क्रिश्चन्स में बाइबल मुस्लिम्स में कुरान जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनकी अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो अपने धर्म के हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से उनको फॉलो कर सकते हैं हमारे देश की सरकार उनके धर्म में कल्चर में कोई भी दखल नहीं करेगी ये है इसका मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का तो सबका अलग अलग कल्चर है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई सबको जस्टिस मिले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कल्चर कल्चर जो है वो डोमिनेट ना करें चूँकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो कल्चर है ना वो मेजॉरिटी की वजह से कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि जैसे मेजॉरिटी अपनी अपनी नजर आने लगे माइनॉरिटी पर इसलिए हमारे देश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिए गए हैं माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग कम संख्या में होते हैं मेजॉरिटी में जो ज़्यादा संख्या में होते हैं हमारे देश में जैसे कि क्रिश्चन बुद्ध जैन पारसी इस्लाम धर्म के लोग ये लोग माइनॉरिटी में हैं कम कम संख्या में है इसलिए हमारे देश में इनको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं अब आगे आता है लॉस फॉर द मार्जिनलाइज कानून क्या क्या बनाए गए हैं मार्जनालाइज लोगों के लिए तो जैसा आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉ बना रखे हैं सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए Yet, ये टे एक सिर्फ यही वे नहीं है कि भाई किस तरीके से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं या फिर एक्चुअली एक्शन लिया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसी हैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए हमारे देश में ये जो पॉलिसीज़ हैं या स्कीम्स हैं ये आई हैं काफ़ी सारी जो कमिटीज़ बनाई गई हैं काफ़ी सारे सर्वे किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी सारी कमिटियाँ बनाई गई हैं कि किस तरीके से हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शन को ऊपर उठा सकते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए हैं ताकि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है ये अच्छे से चले और सही अपॉर्चुनिटी टीज़ मतलब हक मिल सके जिन लोगों तक हक चीज़ों को या फिर हमारे जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ के लिए जिनके साथ गलत हुआ है उन सोसाइटीज़ के लिए जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो उन तक पहुँचे और उनके साथ आगे गलत ना हो ऐसा भी कोशिश सरकार पूरी करती है अब आता है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस तो एज़ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफ़िक स्कीम्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज़ और इन एरियाज़ दैट हैव हाई दलित पॉपुलेशन तो प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस तो भाई आपने कानून बना दिए आपने पॉलिसीज बना दी कमिटीज़ बना दी अब उन लोगों तक चीज़ें पहुँचनी भी तो चाहिए तो इसलिए हमारी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं ट्राइबल्स के लिए बनाई हैं और ऐसे इलाकों के लिए बनाई हैं जहाँ पर ट्राइबल्स और हाई दलित पॉपुलेशन के लोग रहते हैं एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने फ्री या फिर सब्सिडाइज हॉस्टल्स प्रोवाइड किए हैं दलित्स को और आदिवासी कम्युनिटीज़ को ताकि उनके बच्चे अच्छे से जो है सस्ते में एजुकेशन प्राप्त कर सके तो सब्सिडाइज हॉस्टल्स का क्या मतलब है मतलब कम पैसे में वहाँ पर बच्चों को रहने को भी रह भी पाएंगे वहाँ पर खाना भी उनको मिल, मिल पाएगा और आराम से वो पढ़ भी पाएंगे तो सरकार ने इस तरीके के स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट किए हैं जिससे जो बच्चे हैं वो कम एज में अच्छे से पढ़ पाएँ सॉरी कम एज में नहीं कम पैसों में अच्छे से पढ़ है तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है लॉ के दायरे में रह के ही काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो इक्विटी मतलब उनके साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है या फिर सदियों मतलब पुराने ज़माने में हुआ है वो अब ना हो उनके साथ सही व्यवहार हो इसके लिए भी काफ़ी सारे कदम हमारी सरकार उठाती रहती है एक लॉ या पॉलिसी पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो काम कर रही है देखो लॉ तो हो गया पूरा कानून पॉलिसी होता है स्टेट वन रीज़न वाई यू अच्छा अच्छा हाँ पॉलिसी मतलब वो तो जो काम कर रही है ना उस काम का जो पूरा फॉलोअप होता है एक पूरा ढांचा होता है तो रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारी सरकार लेकर के आई है जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंट और हाईली कंटेंजियस भी है मतलब आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस आरक्षण लेकर के आई सरकार तो उस एस सी एस टी को बी सी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है अब वो बात अलग है होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके अलग थे बेटा तो ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की कुछ सीट रिज़र्व कर दी जाती हैं एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब्स में दलिस के लिए आदिवासी के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें सदियों से सेंचुरी से इस पॉपुलेशन के साथ एसटी के साथ एसटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है इनको सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं इसलिए नई स्किल्स नहीं, नहीं डेवलप कर पाए हैं अब उनके पास पहले से ही उनके पास पैसा नहीं है तो वो और एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो वो और पिछड़ जाएंगे इसलिए उनके लिए कुछ मार्क्स कम रखे गए हैं कि भाई कम मार्क्स में ही आपको जॉब्स मिल जाएंगी कम मार्क्स ला करके भी या फिर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री मिल जाएगी ऐसा क्यों क्योंकि बाकी जो कास्ट हैं उनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कोचिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं है ना और जॉब भी लगवा सकते हैं नहीं तो बिजनेस करवा सकते हैं तो दलित्स के पास या इस के पास इतना पैसा नहीं होता इसलिए गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दिया है ताकि वो आगे बढ़ सके अब हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क रिजर्वेशन की पॉलिसी कैसे काम करती है गवर्नमेंट जो है इंडिया पूरे देश में क्या करती है शेड्यूल कास्ट या फिर दलित्स की और शेड्यूल टाइप्स या फिर जो बैकवर्ड कास्ट है ना उनकी पूरी एक लिस्ट बनाती है अब सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है स्टूडेंट जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपने कास्ट या फिर ट्राइब का जो भी स्टेटस है उसका पूरा एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है या फिर ट्राइब सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट जॉब में जॉब हासिल करने के लिए तो वो सर्टिफिकेट देख करके ही प्रूफ मिल जाता है और सर्टिफिकेट कौन बनवाता है बनाता है सरकार पूरा अच्छे से छानबीन करके वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है अगर पर्टिकुलर दलित कास्ट या फिर ट्राइब जो है उस गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो कैंडिडेट जो है वो रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है मतलब उन जो एस सी एस टी हैं उनका एक सर्टिफिकेट बन जाता है कि भाई व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फिर नौकरियों में उसका फ़ायदा ले सकते हैं फॉर एडमिशन टू कॉलेज स्पेशल टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे कि मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डिफ़ एनी कट ऑफ जैसे कि मेडिकल कॉलेज या फिर आई आई टीज़ वगैरह में कट ऑफ होती है एग्ज़ाम देना पड़ता है तो वो कट ऑफ जो है दलित के लिए या सी एस टीज़ वगैरह के लिए कम होती है ताकि वो उनमें ईजिल एंटर कर पाए जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया के क्वालीफाइंग मार्क्स थोड़े से कम होते हैं और गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है ताकि बच्चे वो आगे पढ़ाई कर सकें नहीं तो अगर गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों को या अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप ना दे तो शायद उनकी पढ़ाई ही बंद हो जाए तो गवर्नमेंट इसलिए उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है तो क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल की बुक में आप लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन किस तरीके से काम करा है बैकवर्ड है ना बैकवर्ड uh, क्लासेस के लिए मतलब जो लोग गरीब हैं उनके लिए रिजर्वेशन ने किस तरीके से हेल्प करी है अब ये वाला जो है ना आगे का पार्ट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो चैप्टर है कम्प्लीट हो जाएगा तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू